चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे इस कंप्लीट चैप्टर में। डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। डाटा क्या होता है, जो आपका रफ जो पढ़ा होगा, ठीक है, रफ अगर आप सेपरेटली लिख लेते हैं ना, ठीक है, सेपरेटली आपका, जैसे अगर आप लोगों का डाटा मैं लेती हूँ, तो आप में से किसी का नाम जो है निदा है, किसी का नाम हिना है, किसी का नाम जो है आयशा है, ठीक है, और इसके अलावा डिफरेंट नेम है, तो आपके अपने ही आपका डाटा है, आपकी कोई एज है, आपकी क्लास है, आपकी अगर जो है आप एज अ टीचर हैं, आपका कोई ना कोई प्रोफेशन है, ठीक है, आप में से सबके सब जॉब है आपकी कोई ना कोई, और डिपेंड करता है कि वो क्या है, आप जो है टीचर हैं या फिर कोई और आपका जो है प्रोफेशन है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि पहले तो वो सारा का सारा वो क्या है, डाटा है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है, ठीक है, रॉ जो डाटा पड़ा होगा, उसके बाद उसके ऊपर सम प्रोसेसिंग कर दी जाए, देन वो इन्फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि नेम का एक कॉलम बना दिया है, उसके अंदर तमाम लोगों के नेम लिख दिए, ठीक है, नेम का एक कॉलम बनाने के बाद, उसके बाद एज का भी सेम एक, ये इसके अंदर क्या हुआ है, इस चीज की रिपीटेशन नहीं हो रही है, ये जो आपको नजर आ रही है ना, एम्प्लॉय का नेम, उसकी एज और उसकी सैलरी, ये तीन चीजें रिपीट बार बार नहीं हो रही है, एक ही दफा उन्होंने ये चीज लिख दी है कि ये जो है नेम का कॉलम, डाटा को इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है, लेकिन अगर डाटा के ऊपर सम प्रोसेसिंग कर दी जाए, ठीक है, अगर यहाँ पे आके सॉरी ये जो डाटा है इसके ऊपर क्या कर दी जाए, प्रोसेसिंग कर दी जाए, थोड़ी सी प्रोसेसिंग उसकी कर दी जाए, उसे सीक्वेंस से लिख दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगी, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं जी स्कीमा। स्कीमा क्या है, स्कीमा सिंपल है कि जो आप लोग फ्लो चार्ट बनाते थे ना, फ्लो चार्ट डिजाइन करते हैं, ठीक है, फ्लो चार्ट कि आपने क्या करना है, डेटाबेस को डिजाइन करना है। डेटाबेस डिजाइन करने के लिए आप जो स्टेप और प्रोसीजर अपनाते हैं ना, उसे स्कीमा बोला जाता है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर या फॉर्मेट आप जो बनाएंगे, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर, फ्लो चार्ट जो है, फ्लो चार्ट ग्राफिकली पे आप जो है उसे, या फिर कॉन्सेप्चुअल तौर पे उसे माइंड के अंदर बनाएंगे, ठीक है, ग्राफिकल तौर पे बना लें या फिर कॉन्सेप्चुअल, वो डिपेंड करता है आप उसे पेज के ऊपर बना लें या फिर जो है कॉन्सेप्चुअल बना लें, वो स्कीमा कहलाएगा। कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर हो आपका, वो चाहे माइंड में हो या फिर आप किसी पेज के ऊपर बना लें, तो उसका फॉर्म लेक्चर नंबर 2 में भी ये स्टार्ट है, थोड़ा सा लेक्चर नंबर 1 के अंदर भी ओवरव्यू उन्होंने दिया हुआ है, ये लेक्चर नंबर 8 या 10 तक जाएगा, ये अगर यहाँ पे ये अपना कॉन्सेप्ट है आप क्लियर कर लेते हैं, देन ये आपको ईजी रह जाएगा, ठीक है। स्कीमा इज ए रिपोजिटरी ऑफ स्ट्रक्चर टू एक्सप्रेस द फॉर्मेट एंड अदर डिफरेंस इन्फॉर्मेशन अबाउट द डाटा एंड डाटा बेस। डाटा और डाटा बेस के बारे में ये क्या दे रहा होता है, इन्फॉर्मेशन, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। डाटा बेस इज सेल्फ डिस्क्राइबिंग कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड। डाटा बेस के अंदर क्या होगा कि सेम जो है, एक जैसे जो डाटा होगा वो एक जगह जाके सीक्वेंस से हर एक चीज रखी होती है, वहां से जाके आप अपना जो है डाटा बआसानी गेट कर लेते हैं। सिंपल अगर इस आप एग्जांपल लें, तो फॉर एग्जांपल आपने अपनी जो है आप तमाम चीजें आपकी जो है एक कैबन के अंदर जाके रखते हैं, ठीक है, अपना जो है स्कूल बैग या फिर जो भी चीज है आपकी, ठीक है, यूनिफॉर्म, और एज ए स्टूडेंट जो है ये तमाम चीजें होती हैं, तो आप जो है बल्कि सिंपल ले लें, अगर आप जो है आपके ड्रेस है, ठीक है, ड्रेस तमाम के तमाम ड्रेस को आप क्या करते हैं एक साथ के उठा, बाद में जब आपसे उनसे कहा जाए कि ढूंढ के लाए फलां रेड कलर की जो शर्ट है ना वो लेके आओ, तो आपने क्या करना है, तमाम के तमाम कपड़ों को एक साथ बाहर निकालना है, उसके अंदर से ढूंढना है जी इसका जो ट्राउजर किधर है, इसकी शर्ट किधर है, ढूंढने के बाद फिर उन सबको पकड़ना है और फिर दोबारा डाल देना, ठीक है। सेम आपसे फिर कोई और चीज मंगवाई जाए तो वो जाएंगे, आप अपनी जो है लेके आएंगे, सारी चीजें पहले बाहर निकालेंगे, देन आप जो है वो क्या करेंगे उसके अंदर से पहले ढूंढेंगे, ढूंढने के बाद आप जो है उसे दोबारा फिर डाल देंगे। जो बेतरतीब से लोग होते हैं ना, वो ऐसे फेंक के रखते हैं अपनी चीजों को, अपने सारे ड्रेस आप उसे पकड़ेंगे और उठा के दे देंगे, जो अगर आपने यूज करना है यूज कर लेंगे, ठीक है। सिंपल वन के अंदर आपकी तमाम चीजें पड़ी हुई हैं, तो उन्हें आप जो है सीक्वेंस से उन्हें क्या करते हैं अरेंज करके दे देते हैं, तो अगर आपसे कहा जाए कि दूसरे नंबर वाली ला दें या तीसरे नंबर पे जो पड़ी है वो चीज ला दें, तो आप आसानी उसे दे सकते हैं, बनिस्बत इसके कि अगर आप जो है एक साथ उन सबको पकड़े और पकड़ने के बाद सबको एक साथ जो है ना ऐसे ऊपर नीचे डाल दिया, उनका कोई पता ही शता ही नहीं है कि किधर कौन सी चीज पड़ी है, ठीक है। तो डेटाबेस के अंदर क्या होगा, सारी की सारी जो चीजें होंगी वो एक दूसरे से, रिकॉर्ड्स जो होंगे वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होंगे और वो सीक्वेंस के साथ पड़े होंगे, ताकि उन्हें आसान होगा, यानी कि एक डाटा है, जैसे आप अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में भी जाए, आप अपना ये आपका जो है फोन है, ठीक है, फोन की जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है वो भी एक डेटाबेस ही है ना, जिसके अंदर आपके तमाम के तमाम जो है
कॉन्टेक्ट नंबर सेम है, ठीक है। तो वहां पे अब अगर आप जाएं तो वहां पे भी आप देखेंगे उन्होंने सीक्वेंस से आपका डाटा रखा हुआ है कि ए के बाद बी वाले कॉन्टेक्ट नंबर आ रहे होते हैं, बी के बाद सी वाले जो है कॉन्टेक्ट नंबर आएंगे, देन जो है सेट तक हो जाएंगे, ठीक है सेम। और उसके बाद जो है उर्दू में आपके जो है नेम स्टार्ट होते हैं। आ जाते हैं जी डेटाबेस एप्लीकेशन बेस, यानी डेटाबेस एप्लीकेशन कहाँ से बनती है? सिंपल है कि आप क्या करते हैं, डाटा जो आपका पड़ा हुआ है डेटाबेस के अंदर वहीं से आप डाटा लेते हैं, उसके ऊपर जो है जो जो चीजें जो आपको रिक्वायर है उन्हें लेंगे, उसके बाद उसका क्या बनाएंगे स्कीमा बनाएंगे, और उसके बाद उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, देन उसे आप उसे एप्लीकेशन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। उसके अंदर आप क्या कर रहे होंगे, कहीं पे आप जो है डाटा को इंसर्ट करेंगे, कहीं से आप डाटा को निकालेंगे, कहीं से डिलीट करेंगे, कहीं पे अपडेट करेंगे, तमाम के तमाम फंक्शन जो है आप यूज कर रहे हैं। लाइक अगर आपने किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी हो, ठीक है, रिसर्च करने के बाद उसे पब्लिश करना हो, तो उसके लिए भी सेम यही चीजें कर रहे होते हैं ना, डाटा को डिफरेंट जगह से आप गेट करते हैं, और गेट करने के बाद जो है वो तमाम का तमाम डाटा आप जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ इंजर्ट करेंगे, उसमें से डिलीट करेंगे, कुछ निकालेंगे, कुछ डालेंगे, कहीं पे आप जो है उसकी मॉडिफाई करके उसे लिख रहे होंगे, और उसके बाद जो है आप उसके अंदर प्लेजरिज्म वगैरह चेक करेंगे इसके अंदर है या नहीं है, अगर नहीं होता है देन जो है आप उसे अपलोड कर देंगे, दे देंगे या फिर जो है वो सबमिट करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ डाटा एज आउटपुट एनी डिवाइस इज स्क्रीन डिस्क और प्रिंटर, ठीक है। डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर ऑफ कलेक्शन ऑफ स्मॉल प्रोग्राम्स टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस ऑन डाटा एंड मैनेज द डाटा, यानी कि आप क्या करेंगे डाटा के ऊपर सर्टेन ऑपरेशंस परफॉर्म करके उसे मैनेज कर रहे होते हैं। सिंपल है, इसके बेसिक ऑपरेशन है मैनेजमेंट ऑफ डाटा इन द डेटाबेस, डाटा को जो है मैनेज करना डेटाबेस के अंदर, और उसके साथ यूजर एसोसिएटेड विद द डेटाबेस, यानी डाटा को मैनेज करना, और उसके बाद यूजर से जो एसोसिएटेड है डेटा कहाँ पे पड़ा वो पड़ा है, ठीक है ठीक है। और देन आपका जो है यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है, इन चीजों को डीबीएमएस मैनेज कर रही होती है, यानी डीबीएमएस सॉरी डीबीएम एस, यहाँ पे आपकी यूजर इंटरफेस होगी। यूजर जो डाटा मांग रहा है, ठीक है, वो क्या करेगी डीबीएमएस के पास जाएगा, और डीबीएमएस देखेगी कि जो ये डाटा है वो डीबी में पड़ा है या नहीं पड़ा है, अगर तो वो है देन डीबी से वो डाटा को निकालेगी, और निकालने के बाद यूजर तक एप्लीकेशन जाहिर सी बात है यूज हो ही रही होगी, तो उसके बाद वो यूजर को दे देगा, ठीक है, ये चीज उन्होंने बताई हुई है। हैं जी परफॉर्म एनी डिजायर्ड ऑपरेशन ऑन द डेटाबेस, डीबी मस्ट आल्सो इंश्योर डेटा यूजर कैन नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशन फॉर व्हिच इज नॉट अलाउड, आप जो है वो कोई भी ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते जो आप लोगों को डीबीएमएस अलाउ नहीं करता है। सिंपल है कि जितनी एक्सेस आपको डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है आपको देगा उतना ही आप यूज कर सकते हैं, उसके अलावा जो है आप डेटा गेट नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो अनऑथराइज इज नॉट अलाउड टू परफॉर्म एनी एक्शन विच इज डीबीएमएस, क्या करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो पर्सन होता है वो क्या कर रहा होता है, वो इस डेटा को मैनेज कर रहा होता है, कितना डेटा किस शख्स को किस पर्सन को कितना डेटा दिखाना है, और वो क्या करते हैं जो सेफली जो सिक्योर डेटा रखना कि यूजर भी उसे एक्सेस ना करे जो उसके लिए जरूरी है, जो उसके लिए बेनिफिट नहीं दे सकते, यानी कि जो उसके लिए जरूरी नहीं है वो यूजर को उसे एक्सेस नहीं करने देता है, और कोई दूसरा पर्सन भी आके अनऑथराइज जो पर्सन है उसे भी वो डेटा को बचा के रखता है। डीबीएमएस इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स परफॉर्मिंग ऑल नेसेसरी एक्शंस एसोसिएटेड टू डेटाबेस, वो तमाम के तमाम फंक्शंस और वो तमाम के तमाम जो है फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है जो भी जरूरी होते हैं डेटा को सिक्योर करने के लिए, ठीक है, डाटा को कलेक्ट करने के कलेक्ट रखने के लिए, और कोई अनऑथराइज जो पर्सन है उसे एक्सेस ना कर ले। फर्दर एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस क्या है कि डाटा कंसिस्टेंस हो, यानी सीक्वेंस से पड़ा हो, सीक्वेंस से हो, उसकी कंसिस्टेंसी हो, उसमें बेटर डाटा सिक्योरिटी, उसकी सिक्योरिटी किस चीज से, एक यूजर से, एक्चुअल यूजर जो है
किसी भी एप्लीकेशन का या फिर किसी भी वेबसाइट का, किसी भी चीज का, ठीक है, यूजर से उस यूजर से उसको जो है सिक्योर रखना, उसके बाद एक अनऑथराइज्ड पर्सन से उसे सिक्योर रखना, और उसके बाद कोई हैकर जो है उसे भी सिक्योर रखना। फास्टर डेवलपमेंट ऑफ न्यू एप्लीकेशंस, इससे क्या होता है कि आप जो है कोई न्यू एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो एक सीक्वेंस में डाटा पड़ा होगा, अगर आपको तब भी चाहिए हो तो आप सर्च करें, देन आपको वो जो है डाटा आपको दे देगा, जिसकी वजह से आप जो है न्यू एप्लीकेशन जल्द से जल्द बना सकते हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से बना सकते हैं। इकोनॉमी ऑफ स्केल, इसे आपकी इकोनॉमी स्केल करेगी, बेटर कॉन्करेंसी और कंट्रोल। कॉन्करेंसी मतलब होता है एक्यूरेसी, ठीक है, एक्यूरेट, सॉरी, कॉन्करेंसी होता है एट द सेम टाइम आप उस डाटा को डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट लोग जो है एक ही जगह से वो डाटा को गेट कर रहे हैं। इसके लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि कॉन्करेंसी होता है कि आप सेम एक ही पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन जो है एटीएम मशीन, ये जो जैसे एटीएम मशीन है, ठीक है, बैंक की जो एटीएम मशीन होती है वो डिफरेंट जगह पे पड़ी होती है, और आप जो है उसी बैंक के किसी भी जो है किसी भी बैंक में जाके, जैसे एचबीएल है तो एचबीएल अगर चाहे वो लाहौर में है, कसूर में है, या किसी भी कंट्री के वो उसमें है, सिटी में है, तो आप क्या करते हैं वहां से जाके अपने जो है ट्रांसफर भी कर सकते हैं उसके अंदर वैसे, और निकलवा भी सकते हैं, ठीक है। तो उसे होता है कंकरेंसी एट द सेम टाइम, ठीक है, एट द करंट टाइम पे डिफरेंट जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, डाटा एक्सेस कर रहे हैं, तो हर एक पर्सन को उसी का डाटा देना किसी और होता है। यहाँ पे सिंपल उन्होंने बताई हुई है कंसिस्टेंसी, ये कंसिस्टेंसी के अंदर वो तमाम चीजें बताई हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ, बेटर डाटा, बेटर बैकअप्स एंड रिकवरी, यानी कि डाटा को बैकअप करना और उसके साथ उसे रिकवर करना, ये तमाम जो काम है वो डीबीएमएस मैनेज कर रही होती है। कॉन्करेंसी के अंदर वही चीजें हैं, कंसिस्टेंसी यानी सीक्वेंस से रखना, जैसे ये नंबर है तो नंबर भी 1 2, उसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि आप जो है आके डेटाबेस के अंदर जो है आप ए यानी कोई एंटर कर दें, ठीक है, अगर वो आपसे डिजिट का कहेगा देन आप डिजिट ही ऐड कर सकते हैं। अगर आप जो है चेक लगा देते हैं कि आप या तीन ऑप्शन दे, दो ऑप्शन दे दे, मेल है या फीमेल, ठीक है, जेंडर में, तो आप किसी एक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी दूसरे को नहीं कर सकते। ये होती है डाटा कंसिस्टेंसी, ठीक है, ताकि जो है डाटा इनकंसिस्टेंट ना हो। बेटर थ्रो डीबीएमएस और ये सिक्योरिटी, तमाम वही चीजें हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ। फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, व्हेन वी हैव टू बिल्ड अ न्यू एप्लीकेशन, जब हम कोई न्यू एप्लीकेशन बनाते हैं टू मीट द ग्रोइंग द ग्रोइंग नीड्स ऑफ द कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट, इट मे बी इजी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। द डाटा नीड्स फॉर द न्यू एप्लीकेशन, अगर न्यू एप्लीकेशन के लिए आपको डाटा नीड्स फॉर द न्यू एप्लीकेशन ऑलरेडी अराइज इन द डेटाबेस, लाइक जो है आप डाटा को स्टोर करते हैं, अगर आप एक ईमेल को ले लें जो डाटा आपको चाहिए, अगर आप ईमेल का जो है पासवर्ड डालते हैं देन ही आप अपनी ईमेल को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी ईमेल को भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो रिसर्च, ओके, डाटा, द डाटा नीड्स फॉर द न्यू एप्लीकेशन ऑलरेडी राइज इन द डाटा बेस, देन डाटा माइट नॉट ऑलरेडी राइज इन द डाटा बेस बट इट कुड बी ड्राइव फ्रॉम द डाटा प्रेजेंट इन द डाटा बेस। आप क्या करते हैं कि अगर आपको जो है डाटा रिक्वायर है तो आप क्या करते हैं कि उसके ऊपर डाटा लेंगे, और डाटा लेने के बाद आप क्या करेंगे उसके ऊपर सम प्रोसेस करेंगे, से डाट टू डेवलप अ न्यू एप्लीकेशन फॉर एनी एग्जिस्टिंग, उसके लिए आपको रिक्वायर होगी और टाइम जो है आपका कम से कम लगेगा, अगर आपके पास डाटा ऑलरेडी मौजूद हो और आपने जस्ट उसे निकाल के सीक्वेंस दे के एप्लीकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो। इकोनॉमी ऑफ स्केल, ये सेव्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स और फाइनेंस प्रोवाइडिंग, सिंपल है, बट बच्चे के अगर जो है इसने आप डीबीएमएस ने बहुत ज्यादा आसान कर दिया कि आप अपने डाटा को बहुत आसानी गेट कर सकते हो, अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप जो है डीबीएमएस के अंदर जो है डाटा नहीं पड़ा हुआ तो आपको वो खुद से रिसर्च करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा और आपकी कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी। बेटर कॉन्करेंसी कंट्रोल, एक्सेस द डाटा, ये चीज थी जो मैं आपको बता रही थी कि एक्सेस द डाटा बेस फ्रॉम अ नंबर ऑफ पॉइंट्स सिमल्टेनियसली, यानी एक ही टाइम में आप जो है नंबर ऑफ पॉइंट्स से अपना डाटा को गेट करना चाह रहे हैं। ये एटीएम की मशीन वो सेम एग्जांपल है जो मैं आपको दे चुकी हूँ कि आप कैश करवा सकते हैं या फिर अगर पे करना चाहते हैं तो पे कर सकते हैं। बैकअप्स एंड रिकवरी, लॉस ऑफ सच अ वैल्यूएबल रिसोर्स, यानी कि जो आपका जो है डाटा है वो लॉस ना हो जाए तो उसे रिकवर करने के लिए उन्होंने बैकअप लगाया होता है, ताकि जो है डाटा बआसानी बैकअप हो जाए। डेटाबेस क्रैश, इम प्रॉपर शट डाउन
और इनवैलिड डिस्क, ये तमाम के तमाम इसके एग्जांपल है। कॉस्ट इन्वॉल्व, डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम क्या है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है, इसकी कॉस्ट होती है क्योंकि इसके लिए आपको जो है एक्सपर्ट चाहिए होते हैं जो डेटाबेस को यूज करना जानते हो, जिन्होंने जो है जिस जो सिस्टम है जिसपे सपोर्ट करता है जो डीबीएमएस को, वो भी बहुत ज्यादा हैवी होता है जिसकी वजह से उसके लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा चाहिए होती है। और स्पेशलाइज जो है हायर करने के बाद आपको जो है डिफरेंट चीजें भी इंस्टॉल, पहले डाटा स्ट्रक्चर बनवाना पड़ता है, उसके बाद स्कीमा बनवाने के बाद आपको जो है वो डिजाइन करवानी पड़ती है, डिजाइन करवाने के बाद आपको उसके लिए एक्सपर्ट चाहिए होते हैं जो उसे यूज कर सकें, और अगर उसके अंदर कोई फॉल्ट वगैरह आता है देन उसे रिकवर भी करवाना पड़ता है हाई कॉस्ट से। कन्वर्जन कॉस्ट, इट इज फर्दर हैज मोर सम कन्वर्जन चार्जेस नीड फॉर अडॉप्टिंग सम डेटाबेस, डिफिकल्ट रिकवरी प्रोसीजर है कि यानी कि अगर जो इंसान जो उसे रिकवर कर रहा होता है डाटे को, वो क्या करेगा, वो एक्सपर्ट होगा और एक्सपर्ट होने के साथ साथ उसकी कॉस्ट भी हाई होगी, ठीक है, और किसी एक्सपर्ट को हायर करने के लिए आपको उसके लिए पे ज्यादा करना पड़ेगा। इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा, डाटा एज ए रिसोर्स, बिल्डिंग फर्नीचर, रिसोर्स क्या है, और रिसोर्स इज एनीथिंग विच इज वैल्यूएबल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्स क्या है कि जो वैल्यूएबल हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो रिसोर्स जैसे कि हमने कोई चीज सर्च करनी हो तो उसके लिए हम डिफरेंट रिसोर्सेज यूज कर रहे होते हैं, वो चीज है। व्हाई वी कॉल डाटा एज ए रिसोर्स, हम डाटा को एज ए रिसोर्स क्यों समझते हैं, नॉट अवेलेबल, ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगी, ऑर्गेनाइज, अच्छा एक दफा पढ़े, इन द टाइम एंड करेक्ट एंड डिजायर्ड फॉर्मेट सच बैड एंड मिसकैलकुलेटेड डिसीजंस अल्टीमेटली लीड टू द फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस, यानी कि अगर आपके पास इफेक्टिव डाटा नहीं है या फिर वैलिड डाटा नहीं है, देन अगर आप उसके ऊपर किसी ये जो वैलिड आपके पास डाटा मौजूद नहीं है, आपके पास रैंडम कोई डाटा मौजूद है उसके ऊपर आप जो है डिजाइन स्ट्रक्चर करते हैं और उसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए बेहतर होता है कि आप जो है डाटा जितना भी गेट करें वो वैल्यूएबल हो, और उसके बाद देन उसके ऊपर आप जो है प्रोसेसिंग करें और फिर उसके बाद इंप्लीमेंट करें। लेवल ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, रियल वर्ल्ड डाटा, रियल वर्ल्ड डाटा होता है जो आप लोगों का जैसे कोई स्टूडेंट है या कोई ये जो रियल रियल तौर पे मौजूद हो कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो रियल वर्ल्ड डाटा होगा। मेटा डाटा होता है, मेटा डाटा होता है डाटा के बारे में, डाटा यानी कि नेम है, नेम है रियल है, तो वो क्या है, रियल वर्ल्ड डाटा है, लिखना है, ठीक है। नेम के लिए आप रिस्ट्रिक्शन लगा लेते हैं कि आपने जो है ये टेक्स्ट में ही लिखना है, आपने कॉन्टेक्ट लिखना है तो कॉन्टेक्ट आपने डिजिट में लिखना है, ठीक है, डिजिट यूज करना है, और इसके अंदर आप जो है टेक्स्ट यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये यानी डाटा, ये डाटा है, ठीक है, ये डाटा है, ये रियल वर्ल्ड डाटा है, और इसके बारे में जो डाटा है जो कि हाइड, जो आके आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, वो क्या है, मेटा डाटा है, डाटा के बारे में डाटा, सिंपल है। यहाँ पे वही चीज उन्होंने एग्जांपल दी है कि जैसे कि आप एज है, ठीक है, वो नेम है, उसके बाद उसकी डाटा टाइप आप जो होगी एज की, जो डाटा टाइप होगी जैसे इंटीजर एज के लिए आप डालें या फ्लोट डालें कोई कुछ भी जो है, या फिर डबल डालें, ठीक है, तो वो क्या है, उसका मेटा डाटा है, ठीक है, उसका जो है साइज, साइज है, ठीक है, ये सारा का सारा क्या है, मेटा डाटा है, यानी कि 8 बाइट्स में वो स्टोर हो रहा है, या फिर आप जो है कोई और लाइक इंटीजर के अंदर 4 बाइट डाटा स्टोर होगा, ठीक है, डबल में 8 बाइट डाटा स्टोर हो रहा है, ठीक है, ये चीजें जो होंगी वो क्या होंगी, आपकी मेटा डाटा होगा, कहते हैं जो जो डाटा मौजूद है आपके पास, जो आपको सामने नजर आ रहा है, ठीक है, वो एग्जिस्टेंस ऑफ डाटा कहते हैं। लेवल ऑफ डाटा, इसके 3 लेवल है, ठीक है, रियल वर्ल्ड डाटा जो आपको सामने ही क्या हो रहा है भाई, वो है जो नेम है, ठीक है, मेटा डाटा क्या है, नेम को आप टेक्स्ट में टाइप कर रहे हैं, ठीक है, नेम को आप टेक्स्ट में जो टाइप कर रहे हैं वो क्या है, मेटा डाटा है, ठीक है, और उस डाटा को आप जो है डाटा अक्रंस क्या है, उसे बाइनरी फॉर्म में अगर आप जो है लिख लेते हैं तो वो डाटा अक्रंस आ जाएगी। ये 3 लेवल ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, यूजर्स ऑफ डाटा, डीबीएमएस एप्लीकेशन प्रोग्रामर है, एंड यूजर्स है, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर वो होते हैं जिन्हें राइट्स होते हैं, पता होता है कि कौन सा डाटा है वो कहाँ पे पड़ा और किस तरीके से उसे यूज करना है, वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी एंड यूजर्स, ये एक दफा देन नेक्स्ट मूव करेंगे।
अच्छा मैं देख तो लूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या करेगा कि डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखेगा अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ यूजर्स। जो यूजर्स हैं वो कहेंगे कि हमें इस चीज़ की जो है ज़रूरत है। देन एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या करेगा, उस के बारे में डाटा पहले गेट करेगा और उसके बाद प्रोसेसिंग करेगा, उसे इम्प्लीमेंट करेगा और उसके ऊपर जो है कोई ना कोई एप्लीकेशन बनाएगा। स्किल पीपल हु हैव क्लियर आइडिया ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस एंड नाउ क्लियरली अबाउट द नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये एप्लीकेशन प्रोग्रामर होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी एंड यूजर। एंड यूजर क्या है, दो तरह के होते हैं। हु यूज द डेटाबेस एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय द एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एंड यूजर्स वो होते हैं जो एप्लीकेशन को यूज करने वाले होते हैं, ठीक है। जैसे हम हैं, अगर ये एप्लीकेशन बनी हुई है हम इसे यूज कर रहे हैं, लाइक जो है गूगल मीट है, ठीक है, इसे हम यूज करें तो हम क्या है, यूजर्स हैं। अब एक होता है नेवी यूजर्स और एक होता है सोफिस्टिकेटेड यूजर्स। नेवी यूजर्स वो होते हैं, नेवी यूजर्स वो होते हैं जिनके पास जस्ट उन्हें ना थोड़ा बहुत उसे चलाना आता है, ठीक है, उसके बारे में वो एक्सपर्ट नहीं है, उनके पास कुछ राइट्स नहीं है, ठीक है। दिस ग्रुप हैज नो इंटरेक्शन विद अदर पार्ट ऑफ देयर डाटा एंड ओनली द प्रोग्रामर मेंट ऑफ फॉर देम। यानी कि उनके पास कोई राइट्स नहीं होते हैं, जस्ट वो क्या करते हैं कि सामने जो उन्हें दिया गया है वो यूजर इंटरफेस पे जस्ट उसे ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि गेम खेलने वाले जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें जो राइट्स दिए जाते हैं कि कैसे आपने गेम को खेलना है, इंटरेक्टिव से बनाया होता है, तो उसे क्या होगा कि वो सिर्फ खेलना जानते हैं, उसे ठीक कैसे करना है या फिर उसके अंदर जो है कोई थोड़ा बहुत जो काम है वो किस तरीके से किया है उसके बारे में वो नहीं जाते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं नेव यूजर्स। उसके बाद है सोफिस्टिकेटेड यूजर्स। ये वो यूजर्स होते हैं जिन्हें थोड़ा बहुत पता होता है, काफी हद तक जो है इलम होता है कि कौन सा काम कौन सा फंक्शन जो है किस तरह से करना है, थोड़ा बहुत पता हो, ठीक है, वो होते हैं सोफिस्टिकेटेड यूजर्स। दिस टाइप्स ऑफ यूजर्स हैव एडिशनल इंफॉर्मेशन। इनके पास थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है नेवी यूजर्स, ठीक है, नेवी यूजर से ज्यादा इंफॉर्मेशन इनके पास मौजूद होती है, विच मीन्स दैट दे कैन एक्सेस द डेटा स्टोर इन द डेटाबेस एनी ऑफ अदर डिजायर्ड वे। किसी दूसरे तरीके से भी जो है जो अगर पॉसिबल हो तो ये डेटा को गेट कर सकते हैं। दे कैन एक्सेस जी DBA यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये वो पर्सन होता है, DBA पर्सन होता है जो डेटाबेस को मैनेज वगैरह कर रहा था, DBA, ठीक है। और इसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है कि इसकी जो है पहले जो सैलरी थी वो इतनी ज्यादा नहीं होती थी, इसके लिए आपको जो है पहले इसे बैक पे पड़ी हुई की चीज समझा जाता था, लेकिन अब जो है प्रोग्रामर पीछे रह गया है और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है उसको आगे वो आ गया, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है उसके लिए एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा चाहिए और वो मैनेज कर रहा होता है हर एक चीज को, यानी वो आपकी फ्रंट एंड को, आपकी बैक एंड को, वो आपकी DB को, इन तमाम चीजों को वो क्या कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है DBA। इसलिए इसकी सैलरी भी ज्यादा, सैलरी पैकेज भी ज्यादा होता है। और दूसरी बात ये है कि ये डायरेक्ट BScS करने के बाद या BSIIT करने के बाद आपको इसकी पोस्ट नहीं मिलती है, इसके लिए आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस या इससे भी ज्यादा का, आप तो 5-6 साल का भी रिक्वायर कर रहे होते हैं, इतना एक्सपीरियंस आप लोगों को जरूरी होता है, देन आपको DBA की पोस्ट दी जाती है, ठीक है। स्कीमा डेफिनेशन वही जो आपको मैं स्कीमा का ऑलरेडी बता चुकी थी। अच्छा जल्दी से बताया मैंने आप, यानी कि डेटा यूजर को कितना डाटा चाहिए, ठीक है, कौन सा डाटा वो एक्सेस कर सकता है, लाइक जो है आप लोग LMS यूज कर रहे हैं तो आपको कितनी एक्सेस देनी है, कितना जो है आप एक्सेस कर सकते हैं, कौन कौन से फंक्शंस यूज कर सकते हैं, ये DB आपको अलाउ करेगा, ठीक है। उसके बाद मॉनिटरिंग डिस्क स्पेस, यानी स्पेस के अंदर कितनी स्पेस, डिस्क के अंदर कितनी स्पेस है और इसके अंदर कितना डाटा ऐड हो सकता है, कितना जो है इसके अंदर रफ है वो निकाला जा सकता है, कहाँ से अपडेट किया जा सकता है, ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो DBA देख रहा होता है। DBA हैज टू मॉनिटर द डिस्क स्पेस यूजेस एंड स्टैटिक्स टू इंश्योर दैट डाटा ओवरफ्लो अकर्स एट एनी स्टेज, ताकि डाटा जो है वो ओवरफ्लो ना हो, इन तमाम चीजों को DBA मैनेज कर रहा होता है। मॉनिटरिंग रनिंग जॉब्स जो आप जो है करंटली यूज कर रहे हैं वो आप जैसे डाटा है, ठीक है, जॉब्स हैं इस टाइम पे, लाइक एक यूजर है, यूजर है और वो DBA है कि मुझे कोई चीज जो है लाइक PDF चाहिए, ठीक है, PDF चाहिए CS302 की, ठीक है, 302 की, देन वो क्या करेगा, DB के पास जाएगा, DB के पास जाएगा और वहां पे जाके सर्च करेगा कि आया कि ये डाटा मौजूद है, अगर वो डाटा मौजूद हुआ तो देन वो क्या करेगा, जी हाँ मौजूद है, तो वहां से लाएगा और यूजर को वो शो करवा देगा, ठीक है। वो इन तमाम चीजों को मॉनिटर कर रहा होता है कि कौन सी चीज कहाँ पे देनी है और किस तरह से जो है एक्शन को परफॉर्म करना है, इन तमाम चीजों को DBA देख रहा होता है। उसके बाद आ जाते हैं जी टिपिकल कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस इन्वायरमेंट, ये दो ही हैं, दो तीन ही। अच्छा ये ना सारी
एक बहुत ही अच्छी, यहाँ पे लास्ट पे जाके उन्होंने एक बनाई हुई है पिक्चर, उसके अंदर ये तमाम कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। डीबीएमएस और डेटाबेस, डेटाबेस से डीबीएमएस करता है डाटा को गेट कर रहा होता है, ठीक है, डीबीएमएस से करता है डेटाबेस से डाटा को गेट कर रहा होता है। डेटाबेस इज यूज टू स्टोर डाटा, ठीक है, डीबी में जाके डाटा स्टोर होगा और डीबीएमएस क्या करेगा, उसे गेट करेगा, ठीक है। डीबीएमएस यूज मैकेनिज्म टू गेट डाटा फ्रॉम द डेटाबेस, ये आप जो है माइंड में रख लीजिएगा। लास्ट लास्ट जो है लाइन लिखी हुई इन्होंने, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम के करते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम बताता है कि आपने कौन सा डाटा जो है वो गेट करना है। एप्लीकेशन प्रोग्राम टास्क टू डीबीएमएस एंड आस्क फॉर द डीबी डाटा रिक्वायर्ड, वो डाटा डीबीएमएस को बता रहा होता है कि कौन सा डाटा है जो है वो चाहिए। एप्लीकेशन प्रोग्रामर बताएगा कि क्या चीज चाहिए, डीबीएमएस देखेगा कि किस तरह से इससे डाटा लेना है और किस तरह से जो है आगे उसने देना है, ये डीबीएमएस मैनेज कर रहा है, ठीक है। डीबी को डिजाइन कौन करेगा, डेटाबेस डिजाइनर डिजाइन करेगा, ठीक है। डेटाबेस डिजाइनर डिजाइन द डेटाबेस एंड इंस्टॉल द डीबीएमएस फॉर यूजर्स, फॉर यूज बाय द यूजर्स ऑफ डीबीएमएस इन एनी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। ये थी सबसे सही वाली पिक्चर। यहाँ पे क्या है, इससे ये वही चीज बताई हुई है कि डेटाबेस क्या करेगा, डीबीएमएस क्या करता है, मैनेज करता है कि डाटा को किस तरह से डीबी से निकालना है और उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्रामर को किस तरह से देना है, ठीक है, क्या गेट करना है, ये चीज एप्लीकेशन प्रोग्रामर बताएगा कि क्या जो चीज है मुझे चाहिए। और डीबी देखेगी कि उसके अंदर डीबीएमएस देखेगा कि डीबी के अंदर वो चीज मौजूद है, अगर मौजूद है तो देन वो क्या करेगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामर को दे देगा। तो डीबी को कौन डिजाइन करेगा, डेटाबेस डिजाइनर, ये क्विज में भी आ सकते हैं, आप लोग एक दफा से देख लीजिएगा, ठीक है। डेटाबेस डिजाइन कौन करेगा, डेटाबेस डिजाइनर, और मेंटेन कौन कर रहा है, डीबीए, डीबीएमएस को मेंटेन कौन कर रहा है, डीबीए, और एप्लीकेशन प्रोग्राम को डिवेलप करते हैं एप्लीकेशन प्रो, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर टेक्स ओवर द चार्ज एंड परफॉर्म द स्पेसिफिक डीबीए रिलेटेड एक्टिविटीज, वो तमाम एक्टिविटीज जो है मैनेज रहा होता है, वो तमाम एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा होता है डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये शॉर्ट फॉर्म में जो है ना एमसीक्यूज भी आ जाते हैं कि डीबीए किस चीज की जो है एब्रिवेशन है। डेटाबेस को मेंटेन करना, उसको बैकअप करना, राइट्स जो है वो यूजर्स को देना, कौन कौन से राइट्स जो है वो एक यूजर जो चीजें हैं वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है, नेमी यूजर्स को कौन से राइट्स देने हैं, स्पेसिफिकेटेड यूजर्स को कौन से राइट्स देने हैं, और एप्लीकेशन प्रोग्रामर के पास कौन कौन से और राइट्स हैं, ये तमाम चीजें डीबीए मैनेज कर रहा था। मॉनिटरिंग ऑफ रनिंग जॉब्स, जो करंटली तौर पे जॉब जो हो रही होती है, करंटली तौर पे जो प्रोसेस हो रहा था उसे मॉनिटर करना, मैनेजिंग प्रिंट जॉब्स और इन्हें इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ सर्विस टू ऑल यूजर्स, ये तमाम चीजों को देखना, ये डीबीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये वही चीज है कि एंड यूजर्स क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर से, देन वो सर्च कर रहे होते हैं डीबी एप्लीकेशन प्रोग्राम, जस्ट ये एक चीज उन्होंने एक्स्ट्रा डाली है कि एंड यूजर्स इंटरेक्ट करेंगे एप्लीकेशन प्रोग्रामर से, देन ही जो डीबीएमएस देखेगी ना कि डीबी के अंदर डाटा पड़ा है या नहीं, अगर एंड यूजर्स होंगे ही नहीं, इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ, देन डीबीए के पास वो जाएगा ही नहीं, ना डीबीएमएस के पास जाएगा और ना ही डीबीएमएस डीबी के पास जाएगा डाटा को गेट करने के लिए। उसको डीबीएमएस एडमिनिस्ट्रेटर कैन इंटरेक्ट विद द डेटाबेस डिजाइनर ड्यूरिंग द डेटाबेस डिजाइन फेज सो दैट ही हैज अ क्लियर आइडिया ऑफ द डेटाबेस स्ट्रक्चर फॉर इजी रेफरेंस इन फ्यूचर। दिस आर डीबीए पर वही चीजें जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। ओके लेट्स, हमारे जो तीन के तीन चैप्टर हैं वो हो गए हैं, दो